CWC resolution skips reference to Hamas or terror. Frankly, I am stunned. The Congress Working Committee passes a resolution reaffirming their support to a Palestinian state. All very good. But then chooses to avoid any reference to Hamas or terror just days after hundreds of innocent civilians in Israel have been killed in what I can only describe as terror attacks. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और याद दिला दें आपको राष्ट्रवादियों के महाकुंभ 4 और 5 नवंबर को DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और QR को स्कैन करके हमारा सहयोग भी अवश्य करें। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे इंडी अलायंस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इंडी अलायंस की समस्याएं बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उस महान कांग्रेस पार्टी का है। देखिए, अब तो इंडी अलायंस को उनके जो खासुल खास लोग हैं, जो हर तरह के दबे में, कुचले में, गाढ़े में, थ्रू थिक एंड थिन उनके साथ रहे हैं, वो भी अब साथ छोड़ने लगे हैं। देखिए, राजदीप सरदेसाई ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब इजराइल और हमास का युद्ध आरंभ हुआ है तब से देश में एक और क्रांति सी आ गई है। आपको पता है, वैसे भी हिंदुत्ववादियों का जो है वो प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है भारत की राजनीति पे, जिसको लेकर हमारे सारे के सारे पंचमकार अत्यंत दुखी रहते हैं। लेकिन उस दुख में और अधिक वृद्धि हो जाती है जब उनके खासुल खास लोग जो हैं वो चुप बैठ जाते हैं। और चुप की तो बात छोड़िए, राजदीप तो खुल के बोलने लगा कांग्रेस के विरुद्ध। देखिए क्या हुआ, कांग्रेस की मीटिंग हुई, CWC की मीटिंग हुई। CWC मीटिंग के एक दिन पहले थोड़ा बहुत हल्के फुल्के शब्दों में कांग्रेस ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये हमास ने जो, हमास का नाम नहीं लिया, हमास का नाम लिए बिना ये कहा कि सिविलियंस पर हमला ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि। बड़ा ही सॉफ्ट है कि भाई कहीं हमास जो है वो नाराज़ ना हो जाए, जैसे कि हमास जो है वो इनका ही कोई पाला हुआ है। वैसे हम जानते हैं कि अभी अभी समाचार आया है, आपको पता है कि शाहिद लतीफ़ जो मारा गया, वो शाहिद लतीफ़ को UPA नहीं छोड़ा था, वो भारत की जेल में था और भारत की जेल से छोड़ के उसको भेज दिया पाकिस्तान। यही कह रहा है राजदीप। अब देखिए, राजदीप ने भी साथ क्यों छोड़ा, क्योंकि राजदीप को ये लग रहा है कि भाई ये जो है अब तीसरी बार लगातार हारेंगे, तो फिर तीसरी बार लगातार हारने के बाद राजदीप के 5 साल और ख़राब होंगे। अब भाई अब कितनी सी उम्र बची है, मुश्किल से 15-20 साल की पत्रकारिता और बची है, उसमें से 5 साल और क्यों ख़राब करें। लेकिन बात भी ऐसी है, देखिए, इंडियन एक्सप्रेस तक ने यह कह दिया कि CWC की मीटिंग हुई, CWC की मीटिंग में उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के साथ में अपनी सॉलिडारिटी या अपनी एकता दर्शाई, लेकिन जो हमास ने जो आतंकवादी गतिविधियां की, जो सिविलियंस के साथ में जो नृशंसता की, जो बर्बरता की, जो महिलाओं को, बच्चों को, जो उनके गर्दनें काटी, उनको जलाया और इस तरह के कितनी भी नृशंस घटनाएं हुई, उसका कहीं कोई उल्लेख तक नहीं किया, कोई छोटा मोटा जिक्र भी नहीं किया। इसको लेके आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस जो एक प्रमुख वामपंथी, मैं कहूँगा रद्दी का पन्ना है, तो उस प्रमुख वामपंथी रैग ने भी ये एक प्रमुखता से समाचार छापा जिसमें ये कहा कि भाई कांग्रेस के अंदर इस पर बड़ा असंतोष है। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, कि कम से कम आतंकवाद के विरोध में तो खड़ा होना चाहिए, आतंकवाद की निंदा करने में आपको किस प्रकार की हिचक है। राजदीप ने यही बात पकड़ ली और उनका 2 मिनट 57 सेकेंड का एक वीडियो आया जो उनकी खुद की चैनल पर चलता है, उनकी खुद की भी चैनल है भाई, देखिए हर व्यक्ति जो है रवीश के साथ साथ वो YouTube चैनल बनाकर चलता है और जितने भी प्रमुख इंडी अलायंस के समर्थक पत्रकार हैं उन्होंने किसी ने भी इजराइल और हमास के प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधे रखी। एक तो खैर आप वो वायर द लायर को छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त तो और कोई खुल के सामने नहीं आया। वायर ने तो खैर पूरा एक कैंपेन चला रखा है कि किस तरह से वो हमास को बिल्कुल निर्दोष साबित करे और मासूम साबित करे। और हमारे राजदीप देसाई जो हैं वो कहते हैं, देसाई नहीं सरदेसाई, देसाई से देसाई के सर पे सरदेसाई बैठते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये कौन सा मुस्लिम अपीजमेंट है, ये किस तरह का मुस्लिम अपीजमेंट करना चाहती है, इससे कौन सा मुस्लिम जो है वो तुष्टीकरण हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया भारत के मुसलमानों को कि क्या आप सोचते हैं कि भारतीय मुसलमान हमास के साथ खड़े होंगे? वैसे तो वो हमास के साथ ही खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इससे जो है वो कांग्रेस की पूरी छवि को बहुत ही धक्का लगा है। ये कौन करवा रहा है? अरे भाई, कांग्रेस को अपनी छवि की चिंता होती तो वो उदयनिधि स्टालिन की बात का ही खंडन नहीं कर देती। अब आप ये देखिए कि ये कांग्रेस है या जो कोई भी है, या कांग्रेस की बुद्धिहीनता यहाँ तक पहुँच गई है कि वो हमास में और फिलिस्तीन में अंतर नहीं कर पा रही है। एक तो फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा जब मैं ये कहूँगा कि भाई आप ये देखिए कि ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट है या जो फिलिस्तीन राष्ट्र है, इसको बनाने में किसी भी अरब राष्ट्र की कोई रुचि नहीं है, न कभी थी। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि 1967 में जब 1947 में जब इसका पार्टीशन किया गया था, तब 32% हिस्सा जो था वो फ़िलिस्तीनियों को दिया गया था, लेकिन इस 32% को उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो कहे कि सभी का सब कुछ हमें ही चाहिए, और उसके लिए उन्होंने युद्ध किया और वो 32% घट के 21% हो गया। और बाद में भी जो है आप ये देखिए कि वो भी फ़िलिस्तीन को नहीं मिला। 1947 के बाद जो पूरा का पूरा जो इस समय का जो फ़िलिस्तीन है, उसका वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन ने ऑक्यूपाई कर लिया, और जो गाज़ा है वो मिस्र ने ऑक्यूपाई कर लिया, इजिप्ट ने। और उनके पास रहा 1967 तक। जब 1967 में जब फिर से जब युद्ध हुआ, तब इसराइल ने पूरा का पूरा यह ऑक्यूपाई कर लिया। जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया, इजिप्ट से गाज़ा छीन लिया, इजिप्ट से साइनाई भी छीन लिया। और उसके बाद फिर इसराइल ने ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो बाद में मेनाचेम बेगिन का और अनवर सदात का कैंप डेविड पे एक समझौता हुआ था, उसमें जाकर ये हुआ। तो हमास जो है वो भी नहीं चाहता कि अलग पैलेस्टाइन स्टेट बने। हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, वो फ़िलिस्तीनी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बहुत अंतर जो है ये हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। उन्होंने पूरी तरह से हमास का और आतंकवाद का विरोध किया और इसराइल के साथ खड़े हुए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भाई जो पैलेस्टाइन स्टेट सॉल्यूशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पैलेस्टाइन स्टेट सॉल्यूशन को बढ़ाने में सबसे पहली पहल जो थी वो इसराइल ने की थी, इन अरब देशों ने नहीं की थी। भाई ये तो 47 से लेकर 67 तक इस पूरे फ़िलिस्तीन पे स्वयं कब्जा करके बैठे हुए थे। तो राजदीप जो है वो अब रैंक ब्रेक कर गए हैं। अब उन्होंने कांग्रेस की सीधे सीधे इस प्रकरण में आलोचना करके ये बता दिया है कि भाई अब तुम्हारी नैया डूब रही है, और कितनी बार तुम्हारी नैया डूबेगी, अब तुम्हारी इस डूबती नैया पर हम सवार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, कांग्रेस का नाम पूरा पूरा लिया, लेकिन जो पूरा का पूरा जो हमास को लेके और आतंकवादियों को लेके, बच्चों के ऊपर जो नृशंसता हुई उसको लेके राजदीप ने पूरी की पूरी खाट खड़ी कर दी थी। तो भाई राजदीप को मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं मानता, महान तो छोड़िए अच्छा व्यक्ति भी नहीं मानता, क्योंकि वो सदैव जो है वो अपना एजेंडा लेके चलता है। और एजेंडा लेके वो जो पंचमक्कारों वाला जो एजेंडा होता है उसमें हर प्रकार से जो आपके तरह तरह के आतंकवाद हैं, तरह तरह के और जो इश्यूज़ आते हैं या मुस्लिम कट्टरवाद है, इस सब को वो वाइट वॉश करने का लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन अब उसको भी लगने लगा है कि भैया हम तो खाली इसको वाइट वॉश करते हैं, ये लोग तो पूरी तरह से ब्लैक वॉश करने पर उतारू हो गए और ऐसा मुद्दा लेके बैठ गए हैं जिसको लेके ये थोड़े बहुत भी जो लोग इनके साथ में हैं वो भी अब चुप हो गए, क्योंकि वो देख रहा है कि इनके जो मीडिया के समर्थक हैं वो भी चुप बैठे हुए, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसका विरोध कर दिया था, लेकिन बाद में फिर चुप्पी साध ली, डिलीट कर दिया अपना ट्वीट। पूरी कांग्रेस में इस समय एक छटपटाहट है और वो छटपटाहट यही है कि भाई ये राहुल गांधी हमको कहाँ ले जाके पटकेगा, किस गड्ढे में डाके डालेगा, उस गड्ढे से हम निकल पाएंगे या कभी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत बड़ी छटपटाहट है और ये केवल और केवल फ्रीबीज बांट के, जिसमें भी वो सड़ जी की बराबरी नहीं कर सकते, ये करके कब तक ये पार्टी चलाएंगे। तो अब ये आप देख लें कि ये राजदीप ने जो बोला है, ये सीधा सीधा ये संकेत ये है कि अब राजदीप भी मान गया है कि 2024 में कांग्रेसी जो हैं वो पूरी तरह से अपने मुद्दे गंवा चुके हैं और इनका आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।